गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड केम टू माई वेरी गुड फ्रेंड्स, दिस अदर शेखर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे और आई होप अपने अपने लाइफ में अच्छे से जी रहे होंगे। आज उगाड़ी है, सो हैप्पी उगाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड गुड़ी पड़वा भी आज होता है। सो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा होता है और कर्नाटका में उगाड़ी के फेस्टिवल होता है, इवन आंध्रा में होता है। ओके, सो आज छुट्टी है, वैसे तो बहुत सारी जगह पर मैं फिर भी वर्किंग, क्योंकि अभी आज थोड़ा काम है, कुछ काम निपटाना है और काम निपटाएंगे, क्योंकि आज 3 दिन से आपको जैसे देख रहा होगा, आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, थोड़ी सी वॉट लगी पड़ी है, कुछ इश्यूज फंसे हुए हैं, सो उनको निपटाना है, सो इसलिए बिजी हूँ अभी। एक बार निपट जाएगा तो रिलैक्स करेंगे उसके बाद। एनीवे, सो टुडे इज 22nd ऑफ मार्च, देखो मैंने देख के बोला 22nd ऑफ मार्च एंड टुडे इज वेंसडे। सो आज ज़्यादा कुछ है नहीं, आज ऑफिस का ही काम ज़्यादा है और निपटाएंगे, और आज रूम की सफाई करेंगे, इस रूम को थोड़ा साफ करेंगे। मैं धीरे धीरे टटा करते करते रूम गंदा करने में मास्टरी है मुझे, मतलब आप मुझे कोई भी रूम दे दो मैं भर दूंगा उसको, गंदा कर दूंगा, और समझ रहे हो ना मतलब। मास्टरी किया हुआ मैंने, बट एनीवेज क्लीन भी मुझे ही करना है, फिर मैं क्लीन करूंगा आज इसको। और कारपेट वगैरह भी आज हटा दिया है थोड़ा सा, अभी देखोगे कारपेट नहीं है। वंस इन 15 डेज में जल्दी इसको वॉश करके लगा देता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट थिंग्स टू क्लटर अराउंड। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। एंड आपने मेरा नो योर सिटी नो योर स्टेट देखा होगा, एपिसोड कैसा लग रहा है आप मुझे फीडबैक देते रहो। कल मैंने पटने के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, और दैट वाज पार्ट वन ऑफ द सीरीज, एंड आगे भी जानकारी दूंगा। अभी पटना का सीरीज पूरा हुआ नहीं है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू अबाउट दैट सिटी, एंड थोड़ा लंबा जाएगा वो भी। बट आज वो एपिसोड नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, ड्यू टू सम रीजंस, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो और कल आपने देखा होगा मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो मम्मी ने जो पॉटलक पार्टी थी मस्त हुई, बहुत इंजॉय किया लोगों ने, और मम्मी तो थक के लेटी हुई है, दे ऑल एंजॉयड अ लॉट, ऐसे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे पार्टीज होने चाहिए, मतलब बड़े लोगों का भी, सीनियर सिटीजंस का। तो आपने देखा होगा जो जोश से लोग इंजॉय कर रहे थे, दैट वाज रियली कमेंडेबल, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे डिशेज भी बना के लोग लाए थे, और तब मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया, आई फॉरगॉट टू कैप्चर दोज डिशेज, बिकॉज मैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देर स्टे नहीं करना चाहता था, बिकॉज दे वुड नॉट फील कम्फर्टेबल विथ मी स्टेइंग देयर एंड शूटिंग व्हाट एवर दे आर डूइंग। ऑब्वियसली आई मीन ये उनकी पार्टी है, उनको इन्जॉय करना देना चाहिए, मेरा वहाँ क्या काम है। बट एनी वेज इट वॉज फन, एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे इन्जॉयड अ लॉट, सो दैट वॉज द गुड पार्ट ऑफ इट, सो ऑल गुड। तो चलिए फिलहाल काम करते हैं, फिर उसके बाद आपसे बतियाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ब्लॉग की हेडलाइंस को देखे समझ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक, आज का ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर है। सो आज का ब्लॉग उन मिस्टेक्स के ऊपर है, जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स के ऊपर है जो मैंने अपने लाइफ में की, और मैं चाहता हूँ कि आपको ऊपर में, ये थोड़ा पर्सनल है, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और कि मैंने क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स की, जिससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, और फिर मैंने कैसे सीखा और किस तरह उसको रेक्टिफाई किया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग। सो पहला जो मिस्टेक मैंने किया था वॉज पेइंग योरसेल्फ लास्ट, मतलब अपने आप को, जैसे हमारी सैलरी आती है तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपने खर्चे निपटाते हैं, राइट, कि हमने ये खर्चा करना है, हमने खर्चा बांध लिया होता है, जैसे ये खर्चा करना है, बाकी जो बचा हमने सेव कर दिया। मेरी भी वही आदत थी, मैं भी सबसे बड़ा मिस्टेक करता था कि पहले अपने खर्चों को देखता था, बाद में सेविंग्स की ओर ध्यान देता था। मैं पहले प्लान में बता था कि इस मंथ की सैलरी, जो नॉर्मल होता है, आई मीन जो भी फ्रेशर्स जॉब वगैरह में जाते हैं, और ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने फ्रेशर टाइम से मैंने बहुत ज़्यादा की हुई है। सो अब तो क्योंकि मैं समझ चुका हूँ और क्या प्रॉब्लम है, और काफ़ी बेटर मैनेज करता हूँ अपने फाइनेंसिस को, बट ये सारी मिस्टेक जो थी ये मैंने अपने फ्रेशर लाइफ में की थी, जब मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी तो ये मिस्टेक्स हुए थे। सबसे बड़ा मिस्टेक वही था कि जब मैं अपने आप को कभी पहले पे नहीं करता था, मैं अपने को लास्ट में पे करता था। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो हर कोई करता है,
क्योंकि आप होता क्या ना, आपकी नॉर्मली सैलरी आती है तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। इस महीने की सैलरी आएगी तो मैं अपने टी शर्ट ले लूँगा, इस महीने की सैलरी आएगी तो मैं अपने गिटार ले लूँगा, इस महीने की सैलरी आएगी तो मैं अपने फलाना डिमकाना ले लूँगा। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको करना ये चाहिए, पहले डिसाइड करो कि मैं कितनी सेविंग करूँगा। यस, कितनी सेविंग करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक्स सैलरी है, एक्स रुपीज़ अगर मेरी सैलरी है तो मैं 0.1x उसको सेव करूँगा, 10% ऑफ द सैलरी मैं उसको सेव करके रख दूँगा। पहले आप सेव आप किसी भी तरह कर सकते हो, कहीं और ट्रांसफ़र कर दो या किसी तरह ऐसी जगह रख दो जहाँ आप हाथ ना लगा पाओ। उसके बाद जो बची सैलरी, मुझे जो भी खर्चा है, जो भी मेरा प्लान्स है, जो भी मैंने सोचा रहा हुआ है करना है, वो मैं उस सैलरी में ही करूँगा। ठीक है ना। सो ऐसा मान के चलो कि अगर आपकी एक सैलरी आ रही है तो आप 90% ऑफ एक्स ही आपकी सैलरी है, वो 10% आप अलग ही कर दो। आई मीन डिपेंड्स ऑन, 10% कर सकते हो, 15% कर सकते हो, 20% कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंडिचर्स, आप किस में कंफर्टेबल हो। बट ये ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो यू विल एंड अप नॉट सेविंग एनीथिंग एंड दैट विल बी बिग फाइनेंशियल लॉस फॉर यू। नाउ कमिंग टू द सेकंड बिग मिस्टेक व्हिच आई डिड एंड एवरीबॉडी डज इज क्रेडिट कार्ड्स डेब्ट्स। अभी क्या है ना, आप जॉब शुरू करो, आप ज्वाइनिंग करने जाओ, आप जॉइनिंग फॉर्मेलिटी भर रहे होते हो, आपका बैंक अकाउंट खुलता है और कंपनी साथ में क्रेडिट कार्ड फ्री देती है। और होता क्या, पहले तो आप लेते हो कि नहीं नहीं मैं तो क्रेडिट कार्ड लूँगा, मैं खर्च बिल्कुल नहीं करूँगा। बट एंड ऑफ द डे होता क्या, इतने सारे स्कीम्स आपको क्रेडिट कार्ड पर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो गलती किया था, मैंने शुरू किया पेट्रोल से। मेरे पास एक मैं नाम नहीं लूँगा बैंक का, पर मेरे पास एक बैंक का क्रेडिट कार्ड पड़ा था और मैं उसको बहुत दिनों तक यूज़ नहीं किया। बट किसी ने बोला, अरे पेट्रोल पर सरचार्ज मिलता है, पेट्रोल पर कैशबैक मिलता है, व्हाई डोंट यू यूज़ इट देयर। सो ठीक है, पेट्रोल तक तो ठीक था, मैंने यूज़ किया। और आइडियली होना ये चाहिए कि आप इतना ही यूज़ करो जितना उस महीने के एंड तक आप चुका पाओ। ठीक है, या एक दिमाग में बांध दो कि अगर मैं एक्स अमाउंट इस कार्ड पर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं फलाने डिमकाने टाइम में उसको वापस कर दूँगा। लेकिन ये गलती मैंने की कि मैंने उसको यूज़ किया, पहले पेट्रोल किया और फिर उसे शॉपिंग शुरू कर दी, एंड आई डिड नॉट प्लान व्हेन आई विल रिटर्न इट बैक। सो डेब्ट्स बढ़ते जाते हैं इस तरह से। ऑल दो मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि नहीं, इस चीज़ को कंट्रोल करना है, और आई बाउंस बैक एंड आई कंट्रोल्ड इट। बट बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं एंड दे एंड अप गेटिंग इनटू लॉट ऑफ डेब्ट्स, जो कि उनके कंट्रोल से बाहर जाते हैं। सो दिस इज द सेकेंड बिग मिस्टेक वी शुड नॉट डू इन लाइफ। Now, coming to the third big mistake people do is, मैंने भी किया था, not keeping buffer in hand. Now, what I mean by buffer in hand is, आप जब अपनी सैलरी कमाना शुरू करते हो, आपके हाथ में अगले 3 से 6 महीनों का खर्चा निकालने की औकात होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, जो मैंने भी नहीं किया। होता क्या ना, जब आप जॉब शुरू करते हो तो आप जोश में होते हो, कह रहे आप तो जॉब कमाने लग गए, आप तो ये करूँगा वो करूँगा, आप नए महंगे ये लूँगा वो लूँगा। सो यू डोंट केयर अबाउट सेविंग एंड यू नो क्रिएटिंग दैट बफर। वो आप कहते हैं संपत्ति बनाने वाली बात होती है, तो वो संपत्ति बनाने की सोचा ही नहीं, बस कमाया खाया ऐश किया ज़िंदगी गुजारी, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वो होता है ना वो मोड, उस मोड में आदमी आ जाता है। एंड मैंने भी यही गलती की कि बफर मेंटेन नहीं किया इनिशियली, मैंने बस जो भी इनफैक्ट मैं अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने जॉब शुरू करने के 3 महीने के अंदर ऑनशोर चला गया और 3.5 साल जापान में रहा। आई कुड हैव सेव्ड लॉट मोर व्हाट आई सेव फ्रॉम देयर, बट वही था वो जोश था, मैं कमाऊंगा उड़ाऊंगा करूंगा, ऐश किया। बट सेविंग्स पर ध्यान नहीं दिया, सेविंग्स से आता नहीं कि बिल्कुल सेविंग्स नहीं किया, सेविंग किया, बट आई कुड हैव इन्वेस्टेड मोर यू नो मॉडेस्टली। सो वो एक बड़ी मिस्टेक है। सो प्लीज़ 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 ध्यान दो कि आपके अकाउंट में 3 से 6 महीने की खर्च चलाने की सैलरी होनी चाहिए। जो 3 से 6 महीने की सैलरी है उतना अमाउंट आपके अकाउंट में बफर होना ही चाहिए टू बी फाइनेंशियली वेरी सिक्योर। अब ये जो चौथा पॉइंट जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, ये चौथा पॉइंट में बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। अब ये होता क्या ना, लोग शुरू करते हैं कमाना, ग्रेजुअली आपकी प्रमोशंस होते हैं, आपके सैलरी इंक्रीमेंट्स होते हैं, अब कई बार कंपनीज भी चेंज करते हो और कई कई अलग अलग चीज़ों से रीजन से आपकी सैलरी बढ़ते आती है।
ना प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारे अंदर एक वो होता है कि नहीं लिविंग स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना है, राइट। सो बढ़ाते जाते हैं हम, पहले हम लोग एक बाइक में संतुष्ट होते हैं, फिर उसके बाद एक कार चाहिए होता है, फिर बड़ी कार चाहिए होती है, फिर उससे बड़ी कार चाहिए होती है, फिर लग्जरी कार चाहिए होती है, फिर तीन कार चाहिए होती है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, राइट। सो ये बहुत गलत धारणा है कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपका एक्सपेंडिचर भी उसी हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि होता है कि आपकी सैलरी बढ़ जा रही है और आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जा रहा है। सो आप देख रहे हो ये गैप तो कहीं रहा ही नहीं। ऑन अदर हैंड अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर कम रेट से बढ़ रहा है, सो ये जो गैप देख रहे हो ना आप, यहाँ पर आपने सेविंग कर लिया। और यही फाइनली एंड होकर मेरे तीसरे पॉइंट पर जाता है कि बफर जो आप मेंटेन करना चाहते हो, ये बफर बनाने में हेल्प करेगा, समझ रहे हो। तो ये जो बैलेंस है ना, ये सैलरी का और ये एक्सपेंडिचर का, इसमें थोड़ा गैप रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस जो भी कमाया उड़ा दिया बस ऐश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना। एक समय तो मैं भी किया करता था, बट फाइनली मैंने रियलाइज़ किया कि बफर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है, जैसे अभी COVID-19 जैसे प्रॉब्लम आया था, यहाँ पर लोगों के पास कमाने को नहीं थे, कई लोगों की नौकरियाँ चली गई, कई लोग कई दिन तक सैलरी नहीं मिला लोगों को, सो उस केस में ये बहुत हेल्प होता है। तो ऐसे सिचुएशन को अगर को फेस करने के लिए अगर आपको तैयार रहना है, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ना जो अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, वो बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट मैं कहूँगा एक तरह से, जो बहुत लोग करते हैं नॉर्मली। आजकल जो है ना मार्केटिंग का ज़माना है, तो अभी आप देखोगे हर जगह मार्केटिंग हुआ है, पड़ा है, लोग हर तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे ब्रांड्स हुआ, कपड़े हुए, जूते हुए, एंड व्हाट पीपल आर डूइंग इज कैप्चरिंग योर सेंटीमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि आप लोग आज के डेट में ट्रैवलिंग एक शौक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग का लोगों को शौक है, तो बड़े बड़े प्रमोशन में कि भाई क्या कर रहे हो, यू नॉट वेयरिंग दिस ब्रांड, यू नॉट वेयरिंग दैट ब्रांड, तो लोग इस तरह के प्रमोशन करते हैं कि हम उसके विक्टिम बनते हैं, ठीक है। सो हम लोग अपने जो पैसे को एफिशिएंट जगह शॉपिंग करने के बजाय टू एक्सपेंसिव हॉबीज पालते हैं कि नहीं नहीं अगर मेरा काम एक नॉर्मल शर्ट में या टी शर्ट में हो सकता है, सो व्हाई डू आई नीड टू गेट अ वेरी बिग ब्रांडेड टी शर्ट। समझ रहे हो किस तरह की बात कर रहा हूँ मैं। सो मैं पहन सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक ब्रांड दिखाने का एक शौक है कि नहीं लोगों को दिखने में गुच्ची का वॉच दिखना चाहिए, होना चाहिए, वो एक तरह का होता है। और वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मूर्ख बनाते हैं अपने एडवर्टीजमेंट से। सो ये एक बहुत बड़ा कैच होता है, वो ये ट्रैप होता है, वो अपने आप वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, और लोग कई लोग इसमें फंसते भी हैं, कई लोग इसमें फंसते हैं। मैंने पहन लिया गुची का, वो तो बाहर घूम रहा हूँ दिखाते हुए लोग, 10 लोग देखेंगे टेंशन पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, फाइनेंशियल ट्रैप होता है ये एक। तो इससे बचे, ऑल दो मैं अभी तक इसका शिकार नहीं हो पाऊँगा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कई लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी और अपने आसपास के लोगों को मैंने देखा है इसमें ट्रैप होते हुए, एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो आप इसमें इससे बचें और कोशिश करें कि इसमें ना गिरें। छठा पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्चुअली बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है आज के डेट में, टैक्स सेविंग्स। सो प्रॉपर टैक्स सेविंग्स नहीं होना ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के लाइफस्टाइल में, क्योंकि क्या है ना, हम लोग टैक्स सेविंग्स करते हैं, कई बार करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स दिखाते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ कैचेस, यू नो। जैसे मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मैं अपने बारे में बात करूँ अगर, तो मैं कई इन्वेस्टमेंट्स करता रहा हूँ टैक्स सेविंग के परस्पेक्टिव से, कई जगह डाला, इंश्योरेंस में, प्रीमियम में डाला, इधर डाला, उधर डाला, लेकिन कई बार आप रियलाइज नहीं करते हो कि आप किस तरह सेविंग कर सकते हो, किस तरह आपको रिटर्न मिल सकता है। और इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो विद द हेल्प ऑफ CA या फाइनेंशियल एडवाइज़र रखो अपने साथ, जो आपको बहुत प्रॉपर गाइड करके बता सकता है कि क्या कहाँ सेविंग करना चाहिए, कहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, किस जगह पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे हो। सो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप कहाँ पर सेव कर रहे हो, किस तरह की सेविंग कर रहे हो, यू नो कहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होगा, किस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको, किस सेक्शन में आपको सेविंग करनी है, तो ये सब चीज़ें हमें कई बार पता नहीं होती पूरी तरह, बहुत लोग कम लोग एजुकेटेड होते हैं इतना। तो बेटर गो विद कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं मार्केट में,
आपको चाहिए तो मैं कुछ कंसल्टेंट्स का यहाँ लिंक भी दे दूँगा अपने इसमें, जिनसे मैं रेफर करता हूँ, एंड ही इज़ अ वेरी गुड कंसल्टेंट एंड ही हेल्प मी अ लॉट। सो लेटली मैंने अपना सारा फाइनेंशियल प्लानिंग उसके साथ शेयर किया और ही हेल्प मी टू यू नो गेट लॉट ऑफ रिटर्न्स जो मुझे पता नहीं था, शायद मैं कभी मिलता ही नहीं मुझे। सो नॉट ओनली हियर नॉर इन द पास्ट ऑल्सो ही इज ट्राई टू गेट मी देयर। पास्ट के इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए थे वहाँ से भी उसने निकल के दिया मुझे ये लोग। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो टैक्स पर बहुत ध्यान से आप इन्वेस्ट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टैक्स स्लैब्स को ध्यान रख के टैक्स इन्वेस्टमेंट्स करें। आठवां जो पॉइंट है ये आज के पर्सपेक्टिव में लागू होता है। ये शायद पहले के ज़माने में अगर आप ये बात करता तो कई लोग बोलते कि यार क्या बकवास कर रहे हैं, बट आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का, राइट। अभी क्या है ना, अपने सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि होता क्या, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ा तो ये जो वो है ना स्लैब बढ़ जा रहा है, बट अपना इनकम का सोर्स वही रुका हुआ है। तो अगर एक समय आता है जब ये बढ़ते 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 इसके बराबर हो या इसके ऊपर हो तो दिक्कत है। सो यू हैव टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आईटी में कई बार लोग अपने कंपनी के डिविडेंड्स में शेयर, कंपनी आपको शेयर देती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी सेफ वे कि आपको कुछ पैसा लगाना नहीं है अपनी तरफ से, बस कंपनी को बोला कि भाई मेरे कुछ सैलरी का पार्ट अपने डिविडेंड में डालो और शेयर लेते रहो, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि वो हर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वो ग्राफ ऐसे बढ़े, साइनस पैटर्न नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो और भी तरीके हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, और कई बार जैसे इमरजेंसी वगैरह में कई बार हेल्प करता है। सो ट्राई टू यू नो लर्न अबाउट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स, टॉक टू पीपल, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो जैसे मैंने पहले भी कहा, प्लस अपने भी चीज़ें सोचो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मोर इनकम सोर्सेस। आजकल एक से नहीं चलता, सो दैट्स अ वेरी आई नो इट्स माइट साउंड अ वेरी यूनिक आइडिया टू यू गाइस, बट ऐसा है आज के डेट में, ऐसा करना पड़ता है, मैं खुद भी कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मैंने कई जगह इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड्स है, डिविडेंड्स है, इधर उधर फलाना निमकाना, बहुत जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत तरह की चीज़ें करता हूँ। कई बार तो मैं कॉर्पोरेट शोज करता हूँ, आप लोगों को देखा होगा, म्यूजिकल शोज करता हूँ, उससे भी कमाता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट यू नो इन्वेस्ट इन मोर सोर्सेज ऑफ इनकम, नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो थिंकिंग अबाउट योर सोर्स ऑफ इनकम। तो अभी क्या है ना, एक्सपेंडिचर घटाना या सिर्फ सेविंग करने के बारे में ना सोचकर इनकम बढ़ाने के बारे में भी सोचा, अगर ये भी सोचा ना तो काफ़ी अच्छा फायदा होता है, काफ़ी फायदेमंद होता है ये हमारे लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, आई एम श्योर बहुत लोगों ने किया है, मैंने भी किया था, मैंने अपनी लाइफ में किया है, करेंगे इन्वेस्टमेंट यार, नौकरी शुरू की, पैसे आने लगे, सब कुछ सही चल रहा है, इनफैक्ट पैसे हैं अकाउंट में, बट अब इन्वेस्टमेंट में नहीं सोचते, पड़े रहने दो अकाउंट में, सही जगह लगाने की सोचते नहीं है, पड़ा है ना अकाउंट में, क्या करना है। तो शुरू में मैं यही गलती करता था। आप खुद सोचो, आपके अकाउंट में अगर आपके सेविंग्स अकाउंट है, आप जहां आपकी सैलरी आ रही है वहां पैसा पड़ा है, राइट, अगर आपने उसको एफडी कर दिया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, आपकी आमदनी में इंक्रीमेंट होगा, जो मेरा लास्ट पॉइंट था। आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, आपने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे को अकाउंट में रखकर चढ़ाने से अच्छा है कहीं डालते रहो, तो निकलते रहेगा, ग्रो करने की सोच। अभी क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है ना, करेंगे यार, अभी तो स्टार्ट ही किया जॉब, अभी क्या सोचना है। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बहुत डिले करके सोचते हैं, ये आजकल के यूथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं सारे यूथ को नहीं कहूँगा, बहुत लोग हैं जो मैच्योरली डिसीजन लेते हैं, पर एटलीस्ट मैंने ये गलती की थी। करेंगे अभी, आराम से सोचेंगे, अभी क्या है बड़ी, अभी तो जॉब शुरू किया, अभी तो मेरे खाने खेलने के दिन है, अभी अपने ऊपर खर्च करने के दिन है, बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे तो पड़े अकाउंट। सो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हर तो नहीं कहूँगा बट मैक्सिमम लोग करते हैं, और बहुत सारे एक्सक्यूज मिलते रहेंगे लाइफ में, एक्सक्यूज आता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी काम करने को करने का एक ही तरीका होता है, बाकी 999 उसके एक्सक्यूज होते हैं। सो हमेशा उस चीज़ से उभरें,
जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, जितनी जल्दी आप अपने पैसे को और पैसे कमाने में लगाओगे, उतना जल्दी फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाओगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फाइनेंस मैनेजमेंट कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बोल सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट वेल प्लानिंग एंड कीपिंग योर आईज एंड ईयर ओपन। अपने आस पास देखो, बहुत लोग कर रहे हैं। ये 9 टिप्स अगर आप अपने पास रखोगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल मेंटेन योर फाइनेंसेस प्रेटी वेल, और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे और कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो भी सीखा आपको बता रहा हूँ। बहुत जरूरी है ये। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन और ये सारी जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है, और अपने लाइफ में अमल करोगे इस पर, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऑल द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे। आई होप कि मैंने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया आपको, अपने फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में आपको अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि होता क्या ना कि हम लोग कई बार मिस्टेक्स करते हैं पर हम रियलाइज़ नहीं करते वो मिस्टेक्स, और इसका भरपाई में बाद में करना पड़ता है। सो और ये जो मिस्टेक, ये कॉमन मिस्टेक्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने किया है या कोई एक इंसान करता है, हर कोई नॉर्मली करता ही है। सो ये मेरे लर्निंग से अपने एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और चाहता था कि जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं वो ऐसी मिस्टेक्स अपनी लाइफ में बिल्कुल ना करें और मेरे एक्सपीरियंस से सीख लें। सो चलो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हैं तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चैनल को क्लिक कर दें ताकि अगले ब्लॉग में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। इस ब्लॉग में इतना ही तक, तो चलो, शुक्रिया, अलविदा एंड जय हिंद।